ओके गाइस, सो मेरे हाथ में OnePlus के दोनों लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं, OnePlus 7 Pro राइट हैंड में, OnePlus 7 लेफ्ट हैंड में. सो राइट ऑफ द बैट ये एक बेसिकली कंपैरिजन वीडियो. मैं आप लोगों को OnePlus 7 के वीडियो में मैंने ऑलरेडी फर्स्ट इंप्रेशन बता दिया कि क्या डिफरेंसेस हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगा कि इन दोनों फ़ोन्स में क्या डिफरेंसेस हैं. सो राइट ऑफ द बैट आप देख सकते हैं कि OnePlus 7 Pro का जो डिस्प्ले है वो एच टू एच है, उसमें कोई नॉच नहीं है. एंड वो नॉच इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि OnePlus 7 Pro में आपको मिलता है एक पॉपअप सेल्फी कैमरा. सो इसकी वजह से इसका डिस्प्ले एच टू एच है. एंड आप ऑल्सो नोटिस कर सकते हैं कि OnePlus 7 Pro के पास की स्क्रीन डुअल कर्व्स डिस्प्ले है, जबकि OnePlus 7 में एक फ्लैट डिस्प्ले मिला हुआ है. ऑल्सो ये आई थिंक वीडियो में उतना क्लियरली दिखेगा नहीं, बट OnePlus 7 Pro के डिस्प्ले को 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट मिली हुई है, जबकि OnePlus 7 का जो डिस्प्ले है दैट इज़ अ स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज़ पैनल. Now, more importantly, OnePlus 7 Pro का display is Quad HD Plus in resolution, whereas the OnePlus 7 display is only Full HD Plus. So, अगर आपको movies देखने का शौक है तो OnePlus 7 Pro definitely एक better buy है आपके लिए. Coming to the overall software experience, आप देख सकते हैं कि OnePlus 7 Pro more or less OnePlus 7 and OnePlus 7 Pro का software experience more or less same है. इन दोनों में same software updates guaranteed है. दोनों दो साल तक proper Android software updates मिलेंगी दोनों को, and third year में आपको सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे. नाउ द अदर बिग डिफरेंस बिटवीन द टू फोन्स इज कि आपको OnePlus 7 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है, जबकि OnePlus 7 में आपको एक डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है. सो पहले OnePlus 7 Pro की बात करते हैं. सो इसमें टॉप में आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 सेंसर, बीच में आपको मिलेगा एक टेलीफोटो लेंस 8 मेगापिक्सल का, एंड देन फाइनली लास्ट में आपको मिलेगा एक अल्ट्रा वाइड सेंसर. OnePlus 7 में ऑन द अदर हैंड आपको एक 48 मेगापिक्सल सोनी IMX586 सेंसर तो मिल रहा है, बट आपको नीचे टेलीफोटो या अल्ट्रावाइड सेंसर नहीं मिलेगा, बट एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा. नाउ फॉर द मोस्ट पार्ट दोनों की इमेज क्वालिटी सेम ही होनी चाहिए, बट अगर आप थोड़े वर्सेटाइल शॉट्स लेना चाहते हैं जैसे टेलीफोटो लेंस से या अल्ट्रावाइड शॉट लेना चाहते हैं तो वो आप OnePlus 7 से नहीं ले सकते. थैंकफुली सेल्फी कैमरा दोनों का सेम है, तो अगर आपको सेल्फीज लेने का शौक है तो दोनों में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा. नाउ कमिंग टू दी ओवरऑल इंटरनल स्पेक्स, वो दोनों के सेम ही हैं. दोनों में स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर है. OnePlus 7 Pro में आपको ज़्यादा रैम मिलती है. OnePlus 7 Pro का हाइएस्ट टॉप एंड मॉडल 12 GB रैम के साथ आता है, जबकि OnePlus 7 का 8 GB रैम के साथ आता है. स्टोरेज दोनों में मैक्सिमम 256 GB तक जाती है, एंड दोनों में UFS 3.0 स्टोरेज है, विच इज़ 79% फास्टर देन UFS 2.1 स्टोरेज एज पर OnePlus. फाइनली प्राइस की बात कर लेते हैं. सो OnePlus 7 Pro स्टार्ट होता है 47,999 का, जबकि OnePlus 7 स्टार्ट होता है 32,999 पे. सो क्लियरली OnePlus 7 उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन है जिनको सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है, क्वाड एचडी डिस्प्ले और ट्रिपल रियर कैमरा जैसे फैंसी फीचर से कोई मतलब नहीं है. उनको सिर्फ प्योर परफॉर्मेंस फ़ोन चाहिए एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस. OnePlus 7 उनके लिए बहुत अमेजिंग डिवाइस है, बट अगर आपको थोड़े और प्रीमियम फीचर्स चाहिए जैसे क्वाड एचडी प्लस डिस्प्ले, डुअल कर्व पैनल, ट्रिपल रियर कैमरा, पॉप आउट सेल्फी कैमरा एंड फास्टर वायर्ड चार्जिंग, तो आपको डेफिनेटली OnePlus 7 Pro लेना चाहिए. सो ये हैं इन दोनों के की डिफरेंसेस. डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो आप कौन सा फोन खरीदना चाहते हैं. दिस इज प्रतीक फ्रॉम 91 मोबाइल साइनिंग ऑफ.